एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील यादव। आज की स्टूडियो के माध्यम से हम राज्य ओपन से संबंधित दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। पहला टॉपिक, यदि स्टूडेंट 10th या 12th या 5th या 8th क्लास में राज्य ओपन के तहत फेल हो जाते हैं या एबसेंट हो जाते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगी। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि मार्कशीट कहाँ से हम प्राप्त करें, ओरिजिनल मार्कशीट। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और राज्य ओपन से संबंधित जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है MP स्टेट ओपन नाम से, आप उस पर जाकर सारी जानकारी व्यू कर सकते हैं, जो भी किसी प्रकार की जानकारी। और एक्स्ट्रा यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो पहले तो हमें बात करने वाला हूँ कि यदि आप किसी कारणवश अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं या एक दो सब्जेक्ट आप छूट जाता है आपका और आपका रिज़ल्ट एबसेंट सो होता है तो उस कंडीशन में। दूसरा, आपका रिज़ल्ट SYCT शो कर रहा है, यानी कि थ्योरिकल एग्ज़ाम में फेल, इसका मतलब ये होता है, तो आप क्या करें। पहली कंडीशन ये रहेगी कि आपका रिज़ल्ट जब आप चेक करते हैं उसके 8 दिन के बाद, आपने जिस भी ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन किया है, ISECT ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन होता है, हर कोई ऑनलाइन वाला इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आपने जिस भी ऑनलाइन से आवेदन किया है तो आप वहां पर जाइए और अपने एग्ज़ाम्स के 8 दिन के बाद, रिज़ल्ट जारी होने के 8 दिन बाद आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि आपका सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा का फॉर्म फिल होगा। पूरक परीक्षा का फॉर्म फिल करने के जस्ट बाद ही आपको एक रसीद दी जाएगी, उस रसीद के ऊपर ही आपको एग्ज़ाम डेट दी जाएगी, यानी जून 23, दिसंबर 23, आप किसी भी सत्र में इसका आवेदन कर रहे हो उस प्रकार से आपको दिया जाएगा कि जून 24, दिसंबर 24, ये बात आप ध्यान रखना। तो आपका जो डेट होता है, जैसे कि जून 24, तो आप जब मई के लास्ट महीने, यानी कि उस जून के पहले वाला जो महीना होता है हमारा मई, उसके लास्ट सप्ताह में आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करिए। टाइम टेबल जारी हो जाता है लगभग, और टाइम टेबल जारी नहीं होता है आप ऑनलाइन पर नहीं जा सकते हैं, तो टाइम टेबल कैसे देखे राज्य ओपन का, इसका वीडियो भी हमने बना रखा है। टाइम टेबल जारी होने के बाद एडमिट कार्ड के लिए भी आप अपना वीडियो देख सकते हैं, जो कि अपने ही YouTube चैनल पर अपलोड है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस YouTube चैनल पर। उसके बाद यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 10th 12th क्वालिफाई हो गए, यानी पास हो गए, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिल नहीं रही है, उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपको जिस भी एग्ज़ाम सेंटर पर आपने परीक्षा दी, हालांकि अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं या कुछ कॉलेजेस रहते हैं, यदि आपने वहां पर एग्ज़ाम दिए तो आपका जब रिज़ल्ट जारी होता है, पहले आपका टाइम टेबल जारी होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर आपका रिज़ल्ट जारी होगा। रिज़ल्ट जारी होने के बाद यदि आपका रिज़ल्ट पास है तो आपने जिस सेंटर पर एग्ज़ाम दिया है उसी सेंटर पर आप 1 से 1.5 माह बाद, रिज़ल्ट जारी होने के 1 से 1.5 माह बाद आप संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अब मार्कशीट प्राप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि आपने परीक्षा दिया हुआ है। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, तो आप क्या है कि एडमिट कार्ड निकला सकते हैं। हमारा जो एडमिट कार्ड रहता है ये 6 माह से लेकर 8 माह तक पोर्टल पर अवेलेबल रहते हैं, आप एडमिट कार्ड निकला लीजिए और एडमिट कार्ड को संभाल कर रखिए, उसी एडमिट कार्ड की मदद से आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।